हाँ जी भाई, क्या हाल है सभी का जी। आज मैं आपको बताता हूँ भी, अगर ये फॉल्ट आए ना आपकी गाड़ी में तो कैसे स्टार्ट होती है गाड़ी। जैसे ये कार है, ये जैसे चलती चलती बंद होगी, उसके बाद ये गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही। आपको बताता हूँ, ये देखो सल्फ बज रही है, पर जो कार है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। अब इसका क्या सलूशन है, मैं एक एक दो टिप बताऊंगा आपको भी, उससे चेक करना है ठीक है। उसके बाद मैं फिर क्या क्या चेक करना है उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कैसे सॉल्व होगी ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, अब मैं दिखाता हूँ इंजन। अगर अब ये हम आ गए इसके सामने, सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी चलती बंद हुई है ठीक है ना, तो ज़्यादातर तो जो प्रॉब्लम आती है वो रिले वगैरह की आती है प्रॉब्लम ठीक है ना, अगर चलती गाड़ी बंद हुई है ठीक है। अगर जैसे मिसिंग करती है गाड़ी तो प्रॉब्लम आती है, जो इसका पंप होता है उसमें आती है प्रॉब्लम ठीक है। अब मैं आपको ये खोल कर बताता हूँ ठीक है। ये हमने फ्यूज बॉक्स खोल लिया और जो मेन रिले है वो आप देख सकते हैं, ये वाली जो ब्लैक है ये मेन रिले होती है ठीक है कार की। इसको मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट ठीक है। इन्होंने खींच कर निकाल ली। आपने क्या करना है, देखो अब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ये देखो जेनुइन मारुति का पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये मेन होता है ना। तो अब जो ये है इसको हम चेंज करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहले आपने ये चेक करना है ठीक है, उसके बाद फिर और चीज़ें फिर बताऊँगा मैं ठीक है। ये अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। हाँ जी भाई, अब आप देख सकते हैं इसमें ना हमने जो और है कोई और लगाकर इसमें डाल दी हमने ठीक है। मारुति सुजुकी की जो इसकी आती है रिले वो हमने डाल दी नहीं ठीक है, देख सकते हैं हम ठीक है। अब मैं आपको लाइव इसको स्टार्ट करके देखते हैं आप ठीक है। एक मिनट, ये देख सकते हैं आप, मैंने इग्निशन ऑन कर दिया ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। जो प्रॉब्लम थी वो रिले में ही प्रॉब्लम थी। क्या होता है कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से रिले खराब हो जाती है, जो फिर ये स्टार्ट नहीं होती। अगर फ्यूल पंप की प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी की पिकअप में प्रॉब्लम आती है ठीक है। ये दो मेन कारण होते हैं, अगर आपकी मिसिंग करी है तो आपके जो पीछे से मोटर लगी है उसमें प्रॉब्लम आएगी ठीक है। अदरवाइज जो ये आपके रिले वगैरह फ्यूजों में, फ्यूज में क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर गाड़ी में वोल्टेज ज़्यादा या कम आती है ठीक है, वो इसी की प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसे कर देता हूँ बंद ठीक है ना, यही सिस्टम था ठीक है। आप देख सकते हैं अब हमने ये लगा दिया, ये मेन तो यही होते हैं फ्यूज के, जो अंदर होते हैं वो कैबिन वाले फ्यूज होते हैं, मेन मेन फ्यूज यही होते हैं ठीक है। आप इसमें से चेक कर सकते हैं, ये देखो ये डायग्राम होती है इसके ऊपर बनी हुई, ये देखो ये जैसे ये देखो ये मेन है ठीक है, ऐसे ये सारा जो ये वाला होता है ना ये मेन आता है, ये देखो वो मेन वाला है ठीक है ना। ये डीजल है, देखो यहाँ डीजल लिखा हुआ है ना, यहाँ से हम सीधा ही देख सकते हैं FI मेन, इसी के साथ ही चलता है सारा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई, और भी वीडियो डालता रहूँगा मैं इसे। बाकी गाड़ी गंदी है, इसको ठीक करवाएंगे अब ठीक है।